नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए। सबसे पहले ये है कि सेकेंड लॉ रिलेट्स द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है वो रिलेटेड है एक्सेलरेशन, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है वो, और उससे रिलेटेड है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी एंड व्हाट एजेंसी प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का ओरिजिन क्या है, कि कहां से वो ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिनेट हो रहा है, और उसको प्रोवाइड करने वाला एजेंसी या कौन सा पार्ट है, कौन से कंपोनेंट्स जो एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बॉडी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हम इसे पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहती है कि कोई भी बॉडी पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, कोई भी एक्सिलरेशन ओरिजिनेट हो रहा है, तो वो किसी डिफरेंट बॉडी से, किसी अदर बॉडी से ओरिजिनेट होता है। क्लियर है? और उसका एक्सटर्नल सोर्स क्या है, वो भी कोई दूसरा बॉडी है। मींस एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है, एक बॉडी एक दूसरी बॉडी पे एक एक्शन रिएक्शन कर रही है। इट मींस क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना एक खूबसूरत सा वर्ड है, उतना ही इसके पीछे रीजन भी है। और ये लॉ एक तरह का न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी है, और हमारे नेचुरल लाइफ में भी इस लॉ का वेरी इंपॉर्टेंस है। कभी हमें कोई कुछ कह देता है तो हम फटाक से उसे कुछ कह लेते हैं। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जनरली तो इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर हम कोई फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो हम उसे भी डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स वर्डिंग ऑफ द थर्ड लॉ इज सो क्रिस्प एंड ब्यूटिफुल दैट इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन लैंग्वेज। क्लियर है? और जो एक्शन एंड रिएक्शन की फॉर्म में होता है, इसके कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं एक्शन एंड रिएक्शन के, कि मीन्स लॉ तो ये हो गया, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट अकॉर्डिंग टू द फोर्स फेनोमेना, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे इसको। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। ठीक है, जो फोर्स होता है ऑलवेज भी अकर्स इन पेयर्स। क्या कहा हमने, फोर्स इज ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। कौन सा पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, एंड फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए। मीन्स ए बॉडी है कोई और दूसरी है बी बॉडी,
ए बॉडी बी बॉडी पे जितना एक्शन करेगी उतना ही बी बॉडी फिर ए बॉडी पे रिएक्शन करेगी। ठीक है, कुछ सिंपल वर्ड है। सेकंड सेकंड ये है कि एक्शन करने वाले ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कॉज, और जो रिएक्शन हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट पे उसे हम कहेंगे इफेक्ट। क्लियर है? व्हेन फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाई बी उसे कहेंगे हम कॉज, वो उसका कारण है। बट बी से फिर ए में फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इफेक्ट। ए से बी में और बी से ए में, ए से बी कॉज और बी से ए इफेक्ट। देयर इज नो कॉज इफेक्ट इंप्लाई इन द थर्ड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए से बी कॉज हो या बी से ए इफेक्ट हो, दोनों कभी कोई एक्शन हो सकता है, एक्शन इफ कॉज हो सकता है, कोई रिएक्शन कॉज हो सकता है, कोई एक्शन इफेक्ट हो सकता है, कोई रिएक्शन इफेक्ट हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरह से अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज नो कॉज इफेक्ट इंप्लाई इन द थर्ड लॉ। एंड फाइनली हम थर्ड लॉ को इस थर्ड पॉइंट में इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो फोर्स ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स बी टू ए, जो होगा वहां पे साइन होगा माइनस साइन, बिकॉज देखो ए से बी पे फोर्स अप्लाइड हो रहा था, अब यहां पे क्या है बी टू ए फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो फोर्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन अपोजिट, नेगेटिव साइन इंडिकेट इज अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी बाय ए। इसका मीनिंग है कि B by A जो फोर्स होगा वो ठीक इक्वल और अपोजिट होगा। क्लियर है? तो पहले वर्ड लाइन में हमने लिखा था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अपोजिट रिएक्शन का मीनिंग यही है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसको हम क्या कर देंगे, बॉक्स में रख लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। सो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे, जिससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाए किस तरह से एक्शन रिएक्शन और फोर्स अप्लाइड होता है। द मास ऑफ द, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द मास ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बिलो ए इन फिगर इज मास कैपिटल एम, फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट द लोअर एंड एंड एट ए। अब वो टेंशन फाइंड करना है ए पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, कितने कितने टेंशन अप्लाइड होगा। अब देखो किसी भी अगर हम स्ट्रिंग से किसी का मास को अगर इस तरह से लटका लेंगे कहीं पर कि सस्पेंड कर देंगे, तो हमारे पास होगा क्या, अगर उस, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिस्टम को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिसाइड द सिस्टम, तो सॉल्यूशन करते हैं। टू गेट द टेंशन, to get the tension at the lower end we need the force exerted
फोर्स एग्जर्टेड